बीका भूका कोई ना, बीका भूका कोई ना, हर की गठड़ी लाल, गिरा खोलन ना जान दे। इस वेद फिर कंगाल हजूर मीरा भीख जी ने फरमाया। आप फरमाते हैं ये बीका भूका कोई ना, हर की गठड़ी लाल, गिरा खोलन ना जान दे, हर इस वेद फिर कंगाल। सरकार फरमाते हैं बीका, जो बात अगम में, जो बात अगम में कहन सुनन में ना, जो जाने वो कहे ना, जो कहे वो जाने ना। गल बस इन्नी की है जी, सरकार बुल्ले शाह फरमाते गल समझ ली तो रौला की है। साढ़े को जी इनकोबेटर ने नवी मंगवाई है लाहौरों इस लॉकडाउन दे विच। ये पहले 3,000 की आ जाती सी, उहदे विच उन्हां नूं भी काफ़ी पैसे बन जाते थे। लॉकडाउन का यह नुकसान होया जां फायदा होया, यकदम उन्होंने 4,000 की कर दिती है। यह बंदा उहदा नाम की है, अमिठू मिजरे वाला जी, ट्विल्टन मार्केट LOS शादमान लाहौर, मुहम्मद अजीम भट्ट साहब। ये भट्ट साहब ने जी यकदम ही कम चुक दिता 1,000 का। यह जाली जिहदे अंडे रखी दे आ, ये थले इतने सपोर्ट होनी चाहिए, और जो भी तुम खरीदो देख के खरीदो, इतने सपोर्ट हो। भट्ट साहब ने यदि सपोर्ट भी नहीं पाई। और दूसरा यह जेडे जी हम एक किल इतने लाता, देख इतने देख इतने, ये भी घट है, ये जाली चल जानी है, इधरले पासे नहीं लाई। ये अपने वालों निकी निकी बचत करते हैं, लेकिन काश जिमीदार जिहड़ा भी फार्मर है उहदा ये नुकसान है। बाकी ये कोई एडी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं जी, मैं दसदा तुहानू कीता भी साडा अल्लाह आखदे चलो इत्थों कर लैंदे जी। ये अंदर अंदर जी 1 फुट ते 4.5 इंच जी, इधरों भी इन्नी है, दोनों साइडा तो एक है जी, तकरीबन 1.25 इंच है जेड़ा जी। यदि फट्टी फट्टी तो हैगी है 1.5 इंच की, ये अंडा आ जाता काफ़ी, ये तकरीबन 40 अंडे आ जाते। जो खरीद जाओ यह ख्याल रखो कि ये थले किल ठीक लगे हूँ, फट्टी जी इधर इधर भी होनी चाहिए, एक इतने जरूर होनी चाहिए, वो सपोर्ट हो जाती। अगर दो होना एक इधर तो ज़्यादा देर कट जाती। यह तो होगी जी यदि एक चीज़। दूसरा आ गया साइज यदा, ये मेरे दोस्त है जी राणा अली सुबान साहब, दूर बैठे सियालकोट, उन्होंने कहा कि मैनू वीडियो बना दे, मैं आपे बनवा लूँ या लै लाँगा। तो यह जनाब 5 फुट तो नहीं है, तो 6 फुट 1 फुट है जी, तकरीबन 1 फुट है, ये उत्ते है 1/2 इंची, वो यदा हो गया 1 फुट है उचाई हो गई, तो 1.5 फुट यदि यह हो गया जी। लोग बना भी करते 1.5 फुट है, आया 1.5 बाई 1.5 है जी, यदि चौड़ा 1.5 बाई 1.5 हो गई है जी, ऊंचाई है यदि ये 1 फुट है जी, उत्ते 1/2 इंच है। बिन बोर्ड लाता, ये तो अलावा ये कोई ऐसी साइंस नहीं हैगी। एक के ला लाया उन्होंने खड़पेचा, एक का लाया, एक आ लाया तो एक आ लाया, पिछली साइड से कोई चीज़ नहीं। यह सराख दिखा दे, आ सराख होना चाहिए जी, एक यदि बैक साइड से होना सराख, आ देखो ये उन्होंने कोई चीज़ भी नहीं लाई, एक आ दो सराख होने जरूरी है जी, क्रॉस वेंटिलेशन वास्ते। इधर नू आयो जी, यह थर्मोस्टेट है जी, पहले थर्मोस्टेट मैनुअल होंगे सी, हुण थोड़े जे डिजिटल आ गए, ये चलाई है हजे चल रही है। इनू एडजस्ट करना 37.2 ते, ये जिसम का दर्जा हरारत है 37.2 ते बंद हो जाए, फिर जिसले टेंपरेचर 36 तक आ जाता फिर इन्हें ऑन हो जाना होंगे, आटोमैटिक थर्मोस्टेट। ये चीज़ है ये अंदर ए नज़र आ रहा भी, ये यदा सेंसर है जी, जिहड़ा टेंपरेचर चेक करता, उदो तो बाद खुल जाती है। एक बल्ब इधर है तो एक इधर 100-100 वाट के 2 बल्ब आ, बाकी यही विन बोर्ड का
यह जड़िया लकड़ा ला लैनिया ये जाली जिद अंडे रखने हैं ये वास्ते नवी हजे रवान नहीं है एक मिनट जी बैठो किधर चले गए बाबा ये जाली जी है तकरीबन 2 इंच की ऊंचाई से लाते हैं ये थले रखना होंगे पानी। अच्छा जी वो मिठू साहब ने हुण पिंड च बंदा कित्थों लवे इस दूसरी इनकोवेटर की मैं प्लेट कट के लिया इस तरह की जी एक होनी चाहिए है यह रकाबी प्लेट डिश ना लभे तो घरों लै लो ये पानी रखना ये पानी रखना उपर जाली ला देनी है ये अंडे रख के पानी डेली चेक करना पानी खत्म नहीं होना चाहिए पानी खत्म नहीं होना और अंडे रख के उन्होंने इस तरह ना जी हाथ दे नाल हुण अंडे है नहीं इस वेले इस तरह उन्होंने रोज 6 घंटे बाद अगर दो तो रिजल्ट जेडे तकरीबन 100% नहीं तो 90% हो जाते हैं। अगर तुम दिहाड़ी कम अज कम एक बार इस तरह अंडे जेडे फैलाने ये गल् जीडिया ना जी इनिया ही टंपरेचर आंडिया हिलाना और पानी इन्हों चीज़ों का ख्याल रखे जोड़ा कुदरती प्रोसैस है बतख का आंडा जोड़ा 30 दिन बाद मघ का 40 दिन बाद कुकड़ी का 21 दिन बाद जोड़े होंगे तितर बटेर उन्हों का 18 दिन बाद निकल जाता इस तरह मोर का हर किसी का कुदरती प्रोसैस हों गल मैं पहले अर्ज की है जो बात अगम है वो कहन सुनन में ना ऐ उन्होंने कैचर लाता जी लो यदा इन्ना कि काम कि उन्होंने आपस के चिमरेड़ लगा जी गल मैं दसनी चाहना जरूरी नहीं तुम डब्बा बनाओ इस साइज का बनाओ पुरानी फ्रिज लग जाती है घर अक्सर क्वाड़िया 1000-1500 की लै जाता क्वाड़िए तो लै लो पुरानी फ्रिज वेद जालियां होंगे थर्मोस्टेट वो फिट हों नहीं तो 700-800 का थर्मोस्टेट आ जाता है ये ला लो वो थोड़ी बहुत बड़ी इनकोवेटर बन जाती है इसी तरह हाँ हवा वास्ते 2 सुराख कढ़ने पैणगे एयर कूलर हो तो सॉरी वाटर कूलर खाली मिल जाए कुछ भी नहीं मिलता लकड़ी का डब्बा आम तरखान तो बना लो तरखान तो भी नहीं आ रही तुहाडे कोल होवे खुद बना सकते बिन बोर्ड लै लो 700-800 का बाजारों से एक ला लो तुसी थर्मोस्टेट कोई भी डब्बा कुछ भी नहीं लभदा लकड़ का सॉरी लकड़ का लभदा तो गत्ते का पुराने टैलीविजन का डब्बा हुण तां मुक्क गया हुण तां एलईडियां आ गईआं किसी भी बर्तन वाला मशीन वाला वो भी बन जाता जी तो इन्नी की गल है ये जरूर बनाना चाहिए असी लोग गैबियम दास के मुंतजर रहने इस वेले कोरोना का दौर आया अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो अमान दे विच रखे ये बाजार छोटे छोटे काम अगर स्टूडेंट ये काम कर लैन अपना खर्चा चला सकते ताज़ा अंडे आप भी खा सकते अपने खानदान नूं खिला सकते गोश्त खिला सकते हैं पिंडा च रखना तो बहुत ही आसान है फिर ये जो परिंदे है गलियां बाजार फिरते उत्थे जेडे जरर सा कीड़े मकौड़े होंगे उन्होंने खत्म करते हैं लोग कहते डंगर दियाँ खुलियां जो बिठा कर दया और डंगर बीमार हो जाते अल्लाह के बंदे तुम उत्थे कर दे उत्थे थोड़ा जहा इन्हों झिड़क दिया करो 2-4 बार परिंदे झिड़किया जाए बहुत समझदार है खुलियां नहीं पड़ते लेकिन हुण गोहा चुकन वाले लोग नहीं लभदे सफाई वाले नहीं लभदे जो थले कीड़े मकौड़े पैदा होंगे उन्होंने चुग लेंगे शहरों के रहने वाले मेरे ना जी एक दोस्त होंगे मेरे महलेदार लाहौर में रहा मिर्जा मंसूर बेग हाई क्वालिफाइड आदमी है इस वेले नैशनल बैंक के एक अफसर है ठीक ठाक उन्होंने अपनी छत के उत्ते मुर्गियां भी रखी होंगे बकरी भी रखी होंगी सी ताज़ा दुध पीते होंगे सी बहुत बहुत शुक्रिया जी पाकिस्तान जिंदाबाद सलामत रहो हंसते रहो तो वसते रहो शाद रहो तो आबाद रहो अल्लाह ताला सब नूं आसानियां अता फरमाए और आसानियां वंडन का शरफ अता फरमाए कोई सवाल होवे कोई तुहाडी तजवीज़ होवे कोई कमी कुताही होवे कमेंट दे विच जरूर दसना असी इंशाला आइंदा उन्हें दूर भी करांगे और अगर कोई सवाल होवे तो उहदा जवाब देवांगे जी। अस्सलामु अलैकुम जी बंद कर।